हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों के इन गोलों से आज हम बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। उस डोरमेट को आज हम बहुत ही सुंदर और सर्कल में बनाकर तैयार करेंगे, जो देखने में और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ली है 7 नंबर की सलाई ली है। तो अब हम सलाई लेंगे और इसमें कोई भी एक स्टेप ले लेंगे साड़ी की। तो ये देखिए, जो स्टेप कट की है वो मैंने 1 इंची के जितनी करीब कट कर ली है। तो अब हम स्टेप में सबसे पहले एक नॉट कर लेंगे, नॉट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसमें फंदे डालेंगे, 2, 3, 4, 30, 31, 32, जितने भी आपको फंदे डालने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो इतनी रहेगी, इतना ही इतना सर्कल में जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको जितने फंदे डालने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर फंदे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 32 डाल दिए हैं, आप चाहे तो और भी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इनको बुनना शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से सलाई लेंगे और फंदे के अंदर से डालेंगे और इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए, सारे फंदों को मैंने इस तरीके से बुन लिया है। तो अब हम इन फंदों को ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद नीचे की साइड में लेकर आएंगे। तो दो दो फंदे हम इसमें छोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आते हैं, उसके बाद हम नीचे की साइड में लेकर आएंगे, उसके बाद हम इसमें दो दो करके फंदे छोड़ेंगे। तो पहले हम ऊपर ले जाते हैं बुनकर, उसके बाद हम नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फंदे छोड़ेंगे, जिससे इसमें एक पहली कली पर एक बॉर्डर सा बन जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें यहाँ पर फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो ये काफ़ी लेंथी बनेगा, यानी कि सर्कल में काफ़ी अच्छा बनेगा हमारा ये डोरमेट, काफ़ी बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड में बुन लिया है। अब हम इसे नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे और इसे जब हम इस तरीके से नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे, तो हर सलाई पर हम 2 फंदे इसमें छोड़ेंगे। हर सलाई पर हमें इसमें 2 फंदे छोड़ते जाना है और इससे हमारी एक कली बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 फंदे नहीं बुने हैं और इन सभी फंदों को बुन लिया है। तो अब हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे, क्योंकि इन 2 फंदों को हमें नहीं बुनना है। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड में सारे फंदों को बुन लेंगे। अब हम फिर से नीचे की साइड में बुनकर लाएंगे, तो 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। इसी तरीके से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए इस कली को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ। तो पहले हम इसे बुन लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब हम इसे नीचे की साइड में बुनकर लेकर जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो दो फंदे करते हुए इसमें ये फंदे छोड़ लिए हैं। ये देखिए अलग से दिख रहा है, पहले मैंने ये दो फंदे छोड़े, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, इस तरीके से मैंने दो दो फंदे करते हुए इनको छोड़ लिया है। अब हम इन फंदों को सभी को एक ही सिलाई में बुन लेते हैं, यानी कि अब हमें छोड़ना नहीं है, सभी फंदों को हमें एक ही में बुन लेना है। तो इसी कलर से बुन लेंगे। अब हम इसमें इस कलर से बुनने के बाद हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक ही कली में, एक ही सिलाई में इन सभी को बुन लिया है। तो हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई है, जो एक्स्ट्रा स्टेप थी उसे मैंने कट कर दिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर लगाने के लिए हम यहाँ पर दूसरी स्टेप लेंगे। तो दूसरी स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा कलर ले लिया है। अब हम इसी से पहले एक सिलाई बुन लेंगे पूरी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक सिलाई बुन ली है। अब हम दूसरी सिलाई को नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे। तो अब हम यहाँ पर दो फंदे छोड़ेंगे, जिस तरह से अभी हमने एक इस कली को बनाया था, इसी तरीके से हमें इस कली को बनाकर तैयार करना है। जितनी भी कली हमें इसमें बनानी है वो इसी तरीके से बनानी है, दो दो करते हुए फंदों को छोड़ना है। तो यहाँ पर दो फंदे छोड़ दिए। अब हम इसे फिर से बुन लेते हैं ऊपर की साइड में, फिर नीचे की साइड में बुनकर लाएंगे, फिर दो फंदे छोड़ेंगे, फिर ऊपर बुनकर लेकर जाएंगे, फिर नीचे बुनकर लेकर आएंगे, फिर दो फंदे छोड़ेंगे। इसी तरीके से इस कली को बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमें जितनी भी कली इसमें बनानी है, तो मैं यहाँ पर कुछ कलियाँ इसमें बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कलियाँ बना ली हैं इसमें। तो ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है इस तरीके से बनाना। तो इसी तरीके से हम इसे हाफ में बना लेंगे। अगर आपको हाफ बनाना है तो आप यहाँ पर इस इन फंदों को उतार सकते हैं, हाफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 कलियाँ बन चुकी हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर 6 कलियों वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसे हाफ रख लें, हाफ सर्कल। अगर आप इसे फुल बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इसे और 6 कलियां बनाकर इसे सर्कल में बना सकते हैं। तो अब हम इसके चारों साइड लगाने के लिए यहाँ पर कलियां बनाएंगे, जिससे ये डोरमेट है वो काफी सुंदर लगेगा, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। तो अब हम इसके चारों तरफ लगाने के लिए कलियां बना लेते हैं। तो उसके लिए हम कोई भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये वाला गोला लिया है, इसको लिया है। तो इसके चारों तरफ हम 4 से 5 कलियाँ लगाएंगे। तो 4 से 5 कलियाँ बनाने के लिए हम एक ही जैसी इस धागे को यूज करेंगे। जैसे हमने इसको कट किया है वैसे ही हम इसे कट कर लिया है। अब हम सिलाई लेंगे, सिलाई में हम नॉट लगा लेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इसमें फंदे डाल लेते हैं।
आपको जितने भी फंदे इसमें डालने हैं उतने आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 फंदे इसमें डाल लिए हैं। आपको और भी डालने हैं तो आप और भी बड़ी कलियाँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कलियाँ आप बनाना चाहते हैं उतनी आप बना सकते हैं। तो अब हम इनको बुन लेते हैं। तो उल्टी उल्टी सलाइयाँ हमें इस पर फेरनी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बुन लिया है। अब हम इसमें फंदे छोड़ते जाएंगे। तो पहले हम यहाँ से इसे ऊपर की साइड में बना लेते हैं, बुन लेते हैं। तो ये देखिए एक सलाई और फेर ली है। तो अब हम यहाँ से इसे बुन लेते हैं नीचे की साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें दो फंदे इसको छोड़ दिए हैं। दो फंदों को हमें नहीं बुनना है। तो अब हम इसे इस तरीके से टर्न कर लेंगे और इसे ऊपर की साइड में बुन कर लाएंगे। इसी तरीके से हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं नीचे की साइड में जब हम बुन कर लेकर आएंगे। तो इस तरह से मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए पहले मैंने इन दो फंदों को छोड़ा, फिर इसे छोड़ा और फिर इन दो फंदों को छोड़ा। तो ये देखिए दो दो करते हुए मैंने तीन चार पांच फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब हम इन दो फंदों को छोड़ेंगे और इसे यहाँ से टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमने टर्न कर लिया है इसे। अब हम इसे बुन लेते हैं। तो इसी तरह से दो दो फंदे छोड़ते हुए हमें एक कली को बनाकर तैयार करना है। अगर आप थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो आप इसमें तीन तीन चार चार फंदे भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी कली आएगी। तो अब मैं फिर से बुन लेती हूँ इसे। तो ये देखिए अब हम इस फंदे को छोड़ देते हैं। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए अब हम इन दो फंदों को छोड़ देते हैं। तो अब हम यहां से टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये दो दो फंदे छोड़ते हुए इस कली को इतना बनाकर तैयार कर लिया है। तो दो दो फंदे छोड़े हैं हर सलाई पर। तो हमारी कली यहाँ तक बन गई है, ये देखिए इतनी। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे क्योंकि इसे हम क्लियर बुन लेंगे। आप चाहे इसी थ्रेड से बुन सकते हैं, मैं दूसरे कलर से इसे बुन लूँगी। तो अब हम यहाँ पर हमारा कलर ख़त्म हो गया है, इसे स्टेप को काट दिया है। तो अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इन फंदों को हम एक ही सिलाई में बुन लेंगे। अब हमें यहाँ पर कोई फंदे नहीं छोड़ने हैं, एक ही सिलाई में बुन लेना है इन फंदों को। तो ये देखिए एक ही सलाई में मैंने सारे फंदों को बुन लिया है। अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे। इसी तरीके से हम इस पर दो दो फंदे छोड़ते हुए इस कली को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कली बना ली है। तो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से बनाना है। पहले मैंने जिस तरह से अभी मैंने इस कली को बनाया है इसमें फंदे छोड़ते हुए,
तो ये देखिए इसमें मैंने फंदे छोड़ते हुए इस कली को बनाया है, इसी तरह से मैंने इसे बना लिया था और फिर उसके बाद ब्लैक को बनाया है। तो इसी तरीके से हमें चार कली इस कलर से बनानी है, यानी कि चार कली हमें इससे बनानी है और तीन कली हमें ब्लैक से बनानी है। तो हमारा इस तरह का एक डिजाइन बन जाएगा, एक कली बनकर तैयार हो जाएगी पूरी। पाँच कलियाँ बनेंगी, पाँच से हमारी एक कली बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से मैं इसे भी बना लेती हूँ। यहाँ पर एक कली बन गई है, अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे, फिर नीचे की साइड में लाएंगे। तो दो फंदे छोड़ेंगे, फिर इसी तरह से ऊपर बुनकर लेकर आएंगे, फिर बुनकर लेकर आएंगे, फिर दो फंदे छोड़ें। इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो मैं इन कलियों को बना लेती हूँ। तो ये देखिए कली को मैंने यहाँ तक बना लिया है, जो लास्ट कली रह गई है अब मैं आपको इसमें भी बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने दो दो फंदे इसमें छोड़ दिए हैं, पहले ये दो फंदे छोड़े, फिर ये दो फंदे छोड़े, फिर ये दो फंदे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ तक मैंने इसमें फंदे छोड़ दिए हैं। अलग से दिखाई दे रहा है कि हमने दो दो फंदे कहाँ तक छोड़े हैं, क्योंकि एक रो सी बन जाती है जब हम फंदे छोड़ते हैं। तो अब हम इनको यहाँ तक बुन लेंगे। तो देखिए पहले ये दो फंदे छोड़े, फिर ये। तो अब हम इन दो फंदों को छोड़ते हुए अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे इसे। अब जितने भी फंदे बच गए हैं उनको ऊपर की साइड में बुन लेंगे। तो देखिए इनको बुन लिया है, अब हम नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे। तो अब हमारे छह फंदे बच गए हैं, ये देखिए दो पहले छोड़े, फिर दो, फिर दो। तो अब हमारे ये छह फंदे बच गए हैं, तो इन छह को अब हम चार फंदों को बुनेंगे, क्योंकि दो को हमें छोड़ना है तो चार को बुन लेंगे। तो ये देखिए दो को हम छोड़ देते हैं, इन दो को, इनको नहीं बुनना है। तो अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे इसे। अब हम इन चारों को ऊपर की साइड में बुन लेते हैं। तो ये देखिए अब हमने ये दो फंदे छोड़ दिए हैं, तो अब हमारे ये चार फंदे सेपरेट रह गए हैं। तो अब हम दो को बुन लेते हैं, क्योंकि दो को अब हमें छोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से अब हमने दो फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं, दो को नहीं बुनना है। अब हम इन दोनों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए दो दो करते हुए हमने सभी फंदों को यहाँ पर छोड़ लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से आया है। तो अब हम इन सभी फंदों को एक ही सलाई में बुन लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है, सारे फंदों को एक ही सलाई में बुन लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे बुन लिया है। तो हम इसके फंदे उतारेंगे। तो दो का एक करेंगे और इस फंदे को हम इसी में उतार लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। तो ये देखिए दो का एक कर दिया, इस फंदे को इसी में उतार लिया, फिर से दो फंदे लेंगे, दो का एक कर देंगे और इस फंदे को हम इसी में उतार देंगे। तो इस तरह से हम फंदे छोड़ते जाएंगे यहाँ पर। Thank you.
तो ये देखिए यहाँ पर दो दो फंदे छोड़ते हुए हमने इस कली को बुनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इतना ही हमें इसे बनाना था, यानी कि हाफ कली बनानी थी, तो हाफ सर्कल बनाना था, तो हमने इसे बुन लिया है। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया है। तो इसी तरीके की हमें 4 से 5 कलियों की ज़रूरत है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इन कलियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ पर टोटली 5 कलियाँ बना ली हैं। तो ये देखिए इस तरीके की हमने 5 कलियाँ यहाँ पर बना ली हैं। तो इस तरह से एक सर्कल बनाकर उसके चारों तरफ सिलने हैं। तो ये देखिए हमारा सर्कल भी बन गया है। तो अब हम इसके चारों तरफ इन कलियों को इस तरीके से रखेंगे और इनको सिल लेंगे। इस तरीके से रखना है और इनको सिल लेना है। तो ये काफ़ी बिग साइज का हो जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ हमें इनको रखना है और सिल लेना है। तो अब हम पहले इसे उल्टा कर देते हैं और उल्टी ही हम कलियों को करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए सिलना है। अब हम थोड़ी सी मोटी सी सुई लेंगे और थ्रेड्स लेंगे। तो आपके पास बुलन थ्रेड्स हो तो बुलन थ्रेड्स ले लें, नहीं तो नॉर्मल जो धागा होता है पतला वाला उसे ले लें और उसे आप ट्रिपल फोल्ड कर लें, ट्रिपल फोर कोई भी फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर 4 वाले मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से। तो अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो कहीं से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो एक साइड से हम कहीं से भी इसे शुरू कर लेंगे। इसे चारों तरफ से मैंने सिल लिया है। तो इन कलियों को चारों तरफ से सिल लिया है। तो ये हमारा सिल का तैयार हो गया है। अब हम इसे सीधा करते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा ये डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।